9 साल की उम्र में शादी, 17 की उम्र में पढ़ाना शुरू किया। घर वालों ने निकाला, समाज ने गालियां दी, गोबर फेंका। ये कहानी है देश की पहली महिला शिक्षक की। जानना जरूरी है मैं बात देश की महिलाओं के लिए शिक्षा का रास्ता खोलने वाली सावित्री बाई फुले की। सावित्री बाई फुले का जन्म आज ही के दिन 191 साल पहले हुआ था। 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई। पति जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, दिन भर काम करते और रात को सावित्री बाई को पढ़ाते। समय का चक्र आगे बढ़ा और 1 जनवरी 1848 को दोनों ने मिलकर लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की। मात्र 17 साल की उम्र में सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला शिक्षक बनी। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप 1848 की बात कर रहे हों और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हों। शुरुआत घर से ही होती है। लोगों ने ज्योतिराव के पिता गोविंद राव को धमकाया, आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है, स्कूल बंद करो नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। दोनों ने घर छोड़ दिया। घर से निकले तो समाज तैयार खड़ा था। सावित्री बाई स्कूल पढ़ाने जाती तो विरोधी गंदी गालियां देकर परेशान करते, कीचड़ और गोबर उछालते। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम ये 2 साड़ियां लो, एक पहनकर स्कूल जाना, कोई इस पर गोबर या कीचड़ उछाले तो स्कूल में इस गंदी साड़ी को बदल कर ये दूसरी पहन लेना। ऐसे परेशानी का हल तो निकला, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन एक किस्से के बाद मिला। रिटायर्ड शिक्षाविद ललिता धारा अपनी किताब में लिखती हैं। एक मोटा ताजा आदमी सावित्री बाई का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने धमकी दी, अगर महार और मांग जातियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। भीड़ इकट्ठा हो गई। तब सावित्री ने उस आदमी को एक जोर का थप्पड़ जड़ा और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर किसी ने भी सावित्री बाई का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। 1848 से 1852 के बीच दोनों ने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। शिक्षा के अलावा बहुत सी कुरीतियों पर भी काम किया। तब बहुत सारी लड़कियां छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थी। विधवा गर्भवती महिलाओं के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते, आत्महत्या या गर्भपात। इसीलिए उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक केयर सेंटर शुरू किया, नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा को रोकने के लिए सावित्री बाई फुले ने नाइयों की हड़ताल कराई। 1890 में ज्योतिराव की मृत्यु हुई तो उनकी चिता को खुद सावित्री बाई ने अग्नि दी। इसके 9 साल बाद जब पुणे में प्लेग फैला तो सावित्री बाई मरीजों की सेवा में लग गयी। इसी दौरान उन्हें प्लेग हुआ और 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। तो ये थी सावित्री बाई फुले की कहानी, जिन्होंने सिर्फ एक धर्म को अपनाया, मानवता का धर्म। आज जानना जरूरी है मैं इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आप पर।